न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन करने की हुई घोषणा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा, लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा संपूर्ण लॉकडाउन। कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 5 लाख के इनामी विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से किया गिरफ्तार। विकास के 5 साथियों का यूपी पुलिस कर चुकी इनकाउंटर। डीएम एसएसपी एवं एसडीएम सदर ने महानगर के विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कोरोना के बचाव के प्रति किया जागरूक। एसडीएम सदर ने कहा, राजघाट और कोतवाली क्षेत्र में बढ़ी हॉटस्पॉट की संख्या। लॉकडाउन की संस्तुति के लिए डीएम को भेजा गया है पत्र। संस्तुति मिलने पर दोनों थाना क्षेत्रों को 14 दिनों के लिए किया जाएगा पूर्ण रूप से लॉकडाउन। मौसम विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार 10 से 12 जुलाई तक भारी से अधिक वर्षा होने की है संभावना। गिर सकती है बिजली। एडीएम फाइनेंस ने नगर निगम को किया आगाह, कहा सभी तैयारियां रखें पूरी। बाढ़ चौकियों को भी किया गया है क्रियाशील। खरीफ फसलों की पैदावार को बढ़ाने सहित किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू योजनाओं के संबंध में अपर मुख्य सचिव कृषि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ की वार्ता, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीआईजी रेंज और एसएसपी ने गुरुवार को गोलघर की सड़कों पर किया पैदल गश्त। लोगों को किया कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक। कहा, रोस्टर वार खोलें अपनी दुकानों को, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का हो सके पालन। डीएम और एसएसपी ने किया हॉटस्पॉट क्षेत्र सुकनहा बेलीपा तथा बाघागाड़ा से 4 लेन सड़क निर्माण और कौड़ीराम सीएससी का निरीक्षण। कहा, जन सेवा में अपनी सहभागिता निभाए संबंधित अधिकारी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर ने कहा, सुमेर सागर ताल का नया नक्शा बनकर तैयार। जल्द मॉडर्न रूप में विकसित होगा सुमेर सागर ताल। अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान सीओ गोरखनाथ ने राजघाट थाने का किया निरीक्षण। व्यवस्था से दिखे संतुष्ट। टॉप 10 अपराधियों पर नजर बनाए रखने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित हुआ पौधरोपण कार्यक्रम। कुलपति सहित अन्य लोगों ने किया पौधरोपण। कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जरूर लगाए एक वृक्ष। गोरखपुर जिले में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। गुरुवार को जनपद में शहर के 10 समेत 18 कोरोना के मिले नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 528। 167 मरीज का चल रहा इलाज। अब तक 15 कोरोना संक्रमित मरीजों की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। महानगर में गुरुवार को बिना मास्क और हेलमेट के घूम रहे व्यक्तियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। सीओ कैट ने कहा, बिना मास्क व हेलमेट के घूम रहे लोगों की गाड़ियों का किया जाएगा चालान। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। दर्जनों युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जिला चिकित्सालय की टीम ने कोविड-19 का अनुपालन करते हुए कराया रक्तदान। और जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ जलजमाव। धान की फसलों को हो सकता है नुकसान।